नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से इस समय ऋषि बहुत ज़्यादा होपलेस नज़र आ रहा है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या लक्ष्मी की शादी ना हो विक्रांत के साथ में, लेकिन दोस्तों वहाँ पर मलिष्का सबसे ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रही है और मलिष्का बोलती नज़र आ रही है कि जल्द से जल्द ये शादी हो जाए और लक्ष्मी यहाँ से निकलती बने। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ऋषि इस समय पीछे पड़ चुका है और ऋषि ने बोल भी दिया है इस समय मलिष्का से भी कि मुझे पता है, ऋषि ने ये बोल दिया कि विक्रांत पहले से ही शादीशुदा है और जल्द से जल्द मलिष्का ने ये बात विक्रांत से बता दी है कि ऋषि ने मुझसे ये बोला है। अब सोच लेना कि ऋषि औरों से भी यही बताएगा, जिसके बाद में लगातार लक्ष्मी का माइंड वॉश करने के लिए विक्रांत लक्ष्मी से बोल रहा है कि लक्ष्मी जी मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, इसलिए ऋषि उल्टी सीधी बात कर रहा है कि मैं शादीशुदा हूँ, ये है वो है। लेकिन दोस्तों वहीं सलोनी की बात की जाए तो सलोनी बहुत ही ज़्यादा चालाकी के साथ में आखिरकार कदम बढ़ा रही है। सलोनी को पता है कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ये गड़बड़ में सीधा सीधा शादी टूट जाएगी, इसलिए सलोनी बहुत ही कदम अच्छे से रख रही है। वहीं बात की जाए इस समय आयुष की, तो आयुष ने बोल दिया है इस समय विक्रांत से कि विक्रांत तुम इस घर में आए तो ज़रूर हो, लेकिन खाली हाथ ही जाओगे और हो सकता है तो तुम पुलिस जीप में बैठकर जाओ। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि फ़िलहाल विक्रांत हर तरीका से टूटने वाला है दोस्तों। वहीं आयुष और ऋषि दोनों भाई ऐसे हैं कि जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसका आसानी से साथ नहीं छोड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि अब वो इस समय विक्रांत के पीछे पड़ चुके हैं और विक्रांत को एक्सपोज करके ही दम लेंगे और लक्ष्मी को वाकई में विक्रांत से बचाएंगे। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसे लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने वाकई में मेरे को इतना सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद।